नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीसम सब्जेक्टिव लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अम्लों की क्रिया धातु के साथ कैसे होती है, और साथ ही दोस्तों बताऊंगा कि अम्लों की क्रिया जब धातु के साथ होती है तो हमारा क्या बनता है और क्या निकलता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, रासायनिक समीकरण बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि कौन सा हमारा धातु है और कौन सा हमारा अम्ल है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि हमारा धातु क्या है, हमारा अम्ल क्या है, तब तक आप रासायनिक समीकरण नहीं बना पाओगे। तो दोस्तों, Fe जो है हमारा धातु है। Fe क्या है दोस्तों? हमारा धातु, जिसे हम आयरन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आयरन। Fe को हम क्या कहते हैं दोस्तों? आयरन। दूसरा हमारा दोस्तों HCl। HCl दोस्तों हमारा अम्ल है। HCl क्या है दोस्तों? हमारा अम्ल, जिसे हम जिसका रासायनिक सूत्र दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा दोस्तों हमारा Na। क्या है दोस्तों? Na। Na दोस्तों हमारा धातु है। Na का रासायनिक नाम सोडियम है। Na का रासायनिक नाम क्या दोस्तों? सोडियम। और दोस्तों HCl हमारा अम्ल है। HCl क्या दोस्तों? हमारा अम्ल, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों तीसरा हमारा Zn। Zn भी क्या दोस्तों? धातु है। क्या है दोस्तों? धातु, जिसका रासायनिक नाम जिंक है। इसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? जिंक है। दोस्तों अगला है हमारा H2SO4। दोस्तों H2SO4 हमारा अम्ल है। H2SO4 क्या है दोस्तों? हमारा अम्ल है, जिसका रासायनिक नाम सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है दोस्तों? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो दोस्तों आपको पता चल गया कि हमारा धातु क्या है, अम्ल क्या है। अब दोस्तों आपको क्या करना, अब आपको धातु की क्रिया किसके साथ करनी है? अम्लों के साथ करनी है। तो दोस्तों अभिक्रिया करने से पहले आपको दो बातें पता होनी चाहिए। तो दोस्तों पहली बात, जब भी आप रासायनिक समीकरण बनाएं तो जो तत्वों की जो क्रिया होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव में होती है। किस में होती है दोस्तों? पॉजिटिव और नेगेटिव में। पॉजिटिव तत्व की क्रिया नेगेटिव तत्व के साथ होती है। किसके साथ होती है दोस्तों? पॉजिटिव तत्व की क्रिया नेगेटिव तत्व के साथ, अर्थात पॉजिटिव की क्रिया नेगेटिव में होती है, नेगेटिव की क्रिया पॉजिटिव में होती है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात, आपको हर एक तत्व की संयोजकता पता होनी चाहिए। आपको हर एक तत्व की क्या पता होनी चाहिए दोस्तों? संयोजकता पता होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों यदि आपको किसी भी तत्व की संयोजकता नहीं पता होगी तो आप रासायनिक समीकरण नहीं बना सकते। तो दोस्तों आपको ये दो बातें पता होनी चाहिए, एक तो तत्व की संयोजकता और दूसरी जो क्रिया होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव में होती है। अब दोस्तों हमारी पहली समीकरण है Fe+HCl। क्या है? Fe+HCl। तो दोस्तों हमें Fe की क्रिया HCl के साथ करनी है। किसके साथ करनी है दोस्तों? HCl के साथ करनी है। तो दोस्तों Fe की जो संयोजकता होती है वो प्लस के 2 होती है। कितनी होती है दोस्तों? प्लस के 2। प्लस दोस्तों H पर जो संयोजकता होती है वो प्लस के 1 होती है। कितनी होती है दोस्तों? प्लस के 1। और Cl पर जो संयोजकता होती है वो माइनस के 1 होती है। कितनी होती है दोस्तों? माइनस के 1। और दोस्तों मैंने आपको बताया है कि जो क्रिया होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव में होती है। तो Fe क्या हमारा? पॉजिटिव। और HCl में नेगेटिव क्या हमारा? Cl। तो Fe पॉजिटिव की क्रिया Cl नेगेटिव के साथ होगी। Fe पॉजिटिव की क्रिया Cl नेगेटिव के साथ होगी। तो दोस्तों देखिए, Fe हमारा प्लस के 2 चार्ज देता है और Cl हमारा माइनस का 1 चार्ज देता है। तो दोस्तों जब मैं Fe और Cl की क्रिया करूंगा तो Cl की जो 1 संयोजकता है इसकी गुणा Fe के साथ हो जाएगी। इसकी गुणा किसके साथ हो जाएगी दोस्तों? Fe के साथ। और दोस्तों जो Fe की संयोजकता 2 है इसकी गुणा Cl के साथ हो जाएगी। इसकी गुणा किसके साथ हो जाएगी? Cl की। तो जब मैं Fe की गुणा 1 में करूंगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों? मेरा Fe। क्या आ जाएगा दोस्तों? Fe। और जब मैं Cl की गुणा 2 में करूंगा तो क्या आ जाएगा? मेरा Cl2। क्या आ जाएगा दोस्तों? Cl2। तो दोस्तों आपको पता चल गई कि Fe कैसा आया, Cl2 कैसा आया, प्लस। अब दोस्तों हमारे पास बचा क्या? अब हमारे पास बचा एक केवल हाइड्रोजन H। और कोई तत्व बचा है जिसकी क्रिया हम H के साथ कर सकें? नहीं बचा। तो दोस्तों हम लिख लेंगे प्लस H। क्या लिख लेंगे दोस्तों? H। दोस्तों ये H लिख रहा है। दोस्तों देखिए, जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो केवल एक है। केवल हमारे पास एक हाइड्रोजन है, अर्थात हमारे पास तत्व एक है। परंतु दोस्तों हमारे पास या तो तत्व 2 होने चाहिए, 2 से अधिक होने चाहिए। परंतु हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 1। तो हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन 2 कर लेंगे। हाइड्रोजन क्या कर लेंगे? 2 कर लेंगे। तो 2 करने के लिए मुझे क्या करना होगा दोस्तों? एच में 2 की गुणा करनी होगी। एच में क्या करनी होगी? 2 की गुणा करनी होगी। तो जब मैं दोस्तों एच में 2 की गुणा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? मेरा H2। क्या हो जाएगा? H2। अब दोस्तों हमें क्या करना, हमें अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड समीकरण संतुलित करनी है। हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या करनी है दोस्तों? समीकरण संतुलित करनी है। तो कैसे करेंगे दोस्तों समीकरण संतुलित? तो दोस्तों देखिए, राइट हैंड साइड में हमारे पास कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है।
और लेफ्ट हैंड साइड में कितने हाइड्रोजन है, केवल एक हाइड्रोजन है, तो हमें यहाँ दो हाइड्रोजन करने होंगे। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, HCl में दो की गुणा कर दूंगा, HCl में दो की गुणा कर दूंगा। जब मैं HCl में दो की गुणा करूँगा तो मेरे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में दो हो जाएंगे और राइट हैंड साइड में भी दो हो जाएंगे। परंतु दोस्तों जब मैंने HCl में दो की गुणा करी तो मेरे हाइड्रोजन तो दो हो गए, परंतु दोस्तों मेरे Cl भी दो हो गए। तो कोई बात नहीं दोस्तों, मुझे देखना होगा कि राइट हैंड साइड में दो Cl हैं या नहीं हैं। तो दोस्तों राइट हैंड साइड में हमारे पास Cl2 है, अर्थात हमारे पास दो Cl हैं। तो दोस्तों इसका मतलब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में भी Cl2 हैं और राइट हैंड साइड में भी Cl2 हैं। अब आते हैं दोस्तों Fe पर। तो दोस्तों देखिए Fe हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में एक है, तो राइट हैंड साइड में भी हमारे पास Fe एक है। तो अर्थात दोस्तों हमारी जो समीकरण है दोनों तरफ से संतुलित हो गई हैं, लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी। तो दोस्तों जब मैंने Fe की क्रिया HCl के साथ करी, जब मैंने Fe की क्रिया HCl के साथ करी, एक तो बना दोस्तों मेरे पास FeCl2 और दूसरा बना मेरे पास H2। क्या बना दोस्तों, H2। तो मैं यहाँ लिख दूंगा FeCl2 प्लस का H2। तो दोस्तों आपको पता चल गया कि Fe की क्रिया जब हम HCl के साथ करते हैं तो हमारा क्या बनता है, एक तो बनता हमारा FeCl2 और दूसरा बनता हमारा H2। अब आते हैं दोस्तों दूसरे समीकरण पर। दूसरी समीकरण हमारे पास Na प्लस का HCl। तो दोस्तों हमें Na की क्रिया HCl के साथ करनी है, तो कैसे करेंगे दोस्तों, तो आ जाते हैं पन्ने पर। तो दोस्तों Na की जो संयोजकता होती है वो प्लस के वन होती है, कितने होते हैं दोस्तों प्लस के वन। प्लस H की जो संयोजकता होती है दोस्तों प्लस के वन होती है, और Cl की जो संयोजकता होती है वो माइनस के वन होती है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो क्रिया होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव में होती है, तो मुझे Na पॉजिटिव क्रिया HCl के Cl नेगेटिव से करनी है। Na पॉजिटिव की क्रिया HCl के Cl नेगेटिव से करनी है। तो दोस्तों देखिए Na जो है हमारे प्लस का वन चार्ज देता है और Cl जो है हमारा नेगेटिव वन चार्ज देता है। तो जब मैं Na और Cl की क्रिया करूँगा तो दोस्तों Cl की जो वन संयोजकता है इसकी गुणा Na के साथ हो जाएगी, और Na की जो वन संयोजकता है इसकी गुणा Cl के साथ हो जाएगी। तो दोस्तों जब मैं Na की गुणा वन में करूँगा तो कितना आएगा मेरा Na, और दोस्तों Cl की गुणा मैं Na के वन से करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरा Cl। तो दोस्तों जब मैं Na और Cl की क्रिया करूँगा तो मेरा क्या बनेगा NaCl, क्या बनेगा दोस्तों NaCl प्लस। अब दोस्तों हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा हाइड्रोजन। क्या बचा है दोस्तों, हाइड्रोजन। अब दोस्तों हाइड्रोजन के सिवा और कोई तत्व बचा है जिसके साथ हम हाइड्रोजन की क्रिया कर सके, नहीं बचा। तो दोस्तों हम हाइड्रोजन लिख देंगे अलग। देखिए दोस्तों हमारे पास हाइड्रोजन एक है, अर्थात हमारे पास तत्व एक बचा है, परंतु दोस्तों हम कभी भी एक तत्व नहीं रख सकते, या तो दो तत्व हों या दो से अधिक हों। तो हम क्या करेंगे, इस H में दो की गुणा कर देंगे, इस H में दो की गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों H2, कितना हो जाएगा दोस्तों H2। अब दोस्तों देखिए राइट हैंड साइड में दो एच हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हमें दो एच करने होंगे, तो दो एच करने के लिए मुझे क्या करना होगा, एच सी एल में दो की गुणा करनी होगी, तभी तो दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगी। तो दोस्तों जब मैंने एच सी एल में दो की गुणा करी तो मेरे हाइड्रोजन कितने हो गए, लेफ्ट हैंड साइड में दो हो गए, परंतु दोस्तों एच सी एल में दो की गुणा करने से मेरे सी एल भी दो हो गए। तो इसका मतलब मुझे लेफ्ट हैंड साइड में जब मेरे दो सी एल है तो मुझे राइट हैंड साइड में भी दो सी एल करने होंगे। तो दो सी एल करने के लिए मुझे क्या करना होगा राइट हैंड साइड में, तो मुझे NaCl में दो की गुणा करनी होगी, मुझे NaCl में कितने गुणा करनी होगी, दो की। तो दोस्तों राइट हैंड साइड में NaCl में दो की गुणा करने से मेरे Cl दो हो गए हैं, परंतु मेरे Na भी दो हो गए, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में भी दो Na करने होंगे। तो दो Na करने के लिए मुझे क्या करना होगा, Na में दो की गुणा करनी होगी। तो दोस्तों आप देखिए मेरे लेफ्ट हैंड साइड में भी दो Na हो गए, राइट हैंड साइड में भी दो Na हो गए। तो दोस्तों Na की क्रिया HCl के साथ करने से हमारे क्या क्या पदार्थ बने, एक तो हमारा NaCl बना है और क्या बना है, एक हमारा H2 बना है। तो दोस्तों हम लिख लेंगे 2NaCl प्लस H2। दोस्तों हाइड्रोजन जो है हमारी एक गैस है, हाइड्रोजन क्या है हमारी एक गैस है, तो हम क्या करेंगे, गैस क्या होती है दोस्तों, उड़ती है हमेशा। गैस क्या होती है दोस्तों, हमेशा उड़ती है। तो दोस्तों आप हाइड्रोजन के पास ऊपर का तिल लगा दें जिससे कि ये पता चल सके कि हाइड्रोजन जो है हमारी एक गैस है। तो दोस्तों यहाँ भी हमारे पास दो होने चाहिए, यहाँ भी हमारे पास दो। तो दोस्तों देखिए मेरे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से दोनों तरफ से मेरी समीकरण क्या होगी, दोनों तरफ से संतुलित हो गई हैं। आते हैं दोस्तों अगली समीकरण पर। दोस्तों हमारी अगली समीकरण है Zn प्लस H2SO4। तो दोस्तों मुझे Zn की क्रिया H2SO4 के साथ करनी है, किसके साथ करनी है, Zn की क्रिया H2SO4 के साथ। तो दोस्तों देखिए Zn की जो संयोजकता होती है वो प्लस के टू होती है प्लस, और दोस्तों जो हाइड्रोजन की संयोजकता होती है वो प्लस के वन होती है, परंतु दोस्तों यहाँ एक हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ दो हाइड्रोजन है। तो जब एक हाइड्रोजन की प्लस के वन संयोजकता होती है तो दो हाइड्रोजन पर कितनी होगी दोस्तों, प्लस के टू संयोजकता होगी।
प्लस, और दोस्तों हमारा क्या दूसरा तत्व SO4, तो SO4 की जो संयोजकता होती है अब दोस्तों माइनस के टू होती है, कितनी होती है दोस्तों माइनस के टू। तो दोस्तों मुझे क्या करना, मुझे ZN पॉजिटिव की क्रिया H2SO4 के SO4 नेगेटिव से करनी है, SO4 के नेगेटिव से करनी है, तो मुझे ZN और SO4 की क्रिया करनी है, क्योंकि दोस्तों ZN पॉजिटिव चार्ज दे रहा है और SO4 नेगेटिव चार्ज देता है, और जो क्रिया होती है वो केवल पॉजिटिव और नेगेटिव में होती है। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, मैं ZN और SO4 की क्रिया कर दूंगा। तो दोस्तों क्रिया कैसे करूँगा देखिए, दोस्तों देखिए ZN में प्लस के टू संयोजकता है और SO4 में माइनस के टू संयोजकता है, तो दोस्तों देखिए दोनों तत्वों की संयोजकता समान है, तो प्लस के टू संयोजकता से माइनस की टू संयोजकता कट जाएगी, और ZN और SO4 की जब क्रिया होगी तो ये हो जाएगा हमारा ZN SO4। क्या हो जाएगा दोस्तों, ZN SO4। अब दोस्तों हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास हाइड्रोजन बचा है, क्या बचा हाइड्रोजन। तो दोस्तों और कोई हमारे पास तत्व बचा जिसकी हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर सके, नहीं बचा, तो हम प्लस के H2 लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे दोस्तों प्लस के H2। और दोस्तों देखिए हमारे पास अब की बार हाइड्रोजन दो हैं, अर्थात हमें हाइड्रोजन बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों जब मैं ZN की क्रिया H2SO4 के साथ करूंगा तो मेरा बनेगा ZnSO4 प्लस H2, क्या बनेगा दोस्तों ZnSO4 प्लस के H2। दोस्तों आपको ये तीर जरूर बनाने हैं, इस तीर का मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन है ये हमारी गैस है और ये गैस ऊपर को निकल रही है, ये गैस क्या हो रही है दोस्तों ऊपर को निकल रही है, तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है। यदि दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और यदि आप इसी प्रकार केमिस्ट्री की वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन घंटी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।